यह धरना नहीं है, सच्चाई ये है कि यह प्रायश्चित है। हम लोग प्रायश्चित कर रहे हैं कि ऐसे क्रूर और कायर समाज में हम पैदा हो गए हैं, जहां 5 वर्ष और 6 वर्ष के बच्चे का अपहरण और उसकी हत्या कर दी जाती है। प्रशासन की स्थिति ये है कि वो शराब और बालू में सिर्फ उलझा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि और कुछ भी उसका काम हो सकता है। 5 दिनों से उस बच्चे की लाश सड़ रही थी और 5 दिनों के बाद उस बच्चे की लाश आज निकाली गई है। कल हम लोग इस बात का घोर विरोध करते हैं और भर्त्सना करते हैं। बहुत दुख के साथ हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और इस दुख की घड़ी में सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में प्रतिदिन हर एक अपराध एक नया सामान्य बनते जा रहा है। ये कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब है और समाज हर एक अपराध को सामान्य मानते जा रहा है। अब हो जा रहा है कि बच्चे का हत्या भी एक सामान्य हो गया, सब कुछ यथावत है। एक आवाज़ शांत हो गई और शहर उतना ही आवाज़ के साथ फिर चल रहा है। हत्या क्राइम एक आम बात हो गई है, प्रतिदिन कोई ना कोई घटना घट रही है। आज सारण के तहत मैं आम जनता की तरफ से एक मांग करता हूँ कि इनकी घटनाओं पर अविलंब रोक लगाया जाए, और नहीं तो प्रशासन चूड़ी पहनने के लिए तैयार रहे। यह धरना उपवास तो है ही, आत्मग्लानी का भी अवसर है। हमारी सामाजिक नैतिकता इतनी कुंद हो गई है कि इतनी निशंस हत्या के बाद भी आम जन सड़कों पर नहीं आई है। अपराधियों का बढ़ता मनोबल और प्रशासन की कुव्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार है। इस आत्मग्लानी के रास्ते के मार्फत हम लोग मांग करते हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार लाया जाए, अपराधियों के मनोबल को फन को तोड़ दिया जाए, ताकि आम जनता शांतिपूर्वक जीवन